हमारा तरफ से मैं इनक्रेज करेगा बांडरदवा सर्कल में ये ऐसे वॉलीबॉल फुटबॉल और फिजिकली काम करने का जगह नहीं है। आज यहाँ में भाई कुल के बहुत खुशी है और हम तो और भी खुलने से अच्छा है। यहाँ में हम लोग का एक्सरसाइज करने के लिए फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं है और आज यहाँ में एक वॉलीबॉल ग्राउंड बना के हम दिल से उसको थैंक्स देता है, अच्छा काम कर रहा है बोलकर। तो जैसे कि आपका जो बाय है उसी तरह बहुत सारा आजकल के यंग जनरेशन जो अनएम्प्लॉयड होके है, तो सर उन लोगों के लिए आपके तरफ से कुछ वर्ड ऑफ एडवाइस रहेगा सर? उसी को हमारा भाई लोग को यूथ लोग को मैं इनक्रेज करता हूँ, जिसे आजकल अपुंग पी के ड्रग्स का के नहीं घूमना है, इसे ये फिजिकली एक्सरसाइज करके काम करके और या वॉलीबॉल फुटबॉल खेल के काम करना है। जितना अलग अलग स्टेट में यहाँ से फुटबॉल वॉलीबॉल ट्राई करके अच्छा से काम करके बाहर स्टेट भी जा सकने से अच्छा है। यहाँ का बांडरदवा सर्कल का जितना यूथ और स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट है, यहाँ में प्रैक्टिकल यहाँ में सीख के स्टेट लेवल में जाने से अच्छा है या स्टेट लेवल से बाहर स्टेट में जा सकने से अच्छा है। हम तो ये कहना चाहेगा कि बहुत अच्छा बात है ना, लेकिन वो यंग लड़का के लिए ये एक अपना एक ऐसी सिर्फ उसके लिए सिर्फ नहीं है कि ये बांडरदवा और करछिनछा जो भी जो आसपास का लोग के लिए ये एक ऐसी है, क्योंकि अपना जगह में ऐसे थोड़ा एक फिनिशिंग वाला वॉलीबॉल ग्राउंड रहना हम सब के लिए, ये खास करके ये बांडरदवा करछिनछा का आसपास जवान लड़का लड़की सब के लिए ये एक ऐसी है, तो ये अच्छा चीज़ है और सब हर कोई यहाँ में ये एक्सरसाइज कर सकता है और इकोनॉमिक व्यू से बोलने से भी उसके लिए लड़का के लिए भी ठीक होगा और जो एक्सरसाइज करा उसके लिए भी अपना फिजिकल लाभदायक है। मैंने सर जैसे कि आजकल ऐसे हो गया कि हम लोगों को बोलते हैं कि बिजनेस तो शुरू कर लेता है लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं, जल्दी जल्दी गिव अप कर देता है, तो अब उसका तौर आपका भाई जो ये ग्राउंड ओपनिंग किया उसको कुछ वर्ड ऑफ एडवाइस देना चाहिए? तो पहले भी मैं थोड़ा सा एक दो शब्द कहा है, मैं ये कहना चाहेगा कि जो भी चीज़ को आप शुरू कर रहा है तो बीच में बोरिंग नहीं होना है। पहले से ऑफ द रिकॉर्ड में भी मैंने सजेशन किया है, कल परसों भी किया, मेरा ही फैमिली का बंदा है, इसलिए मैं उसको आज भी ये मैं कहना चाहता हूँ, आप उसको एक दो रुपया हम पहले इकोनॉमिक व्यू से थोड़ा सेविंग करके और भी अच्छा मॉडिफाइड करके ग्राउंड में डाल के और अच्छा अच्छा करने के लिए कोशिश करो, हम वही बोल रहे हैं अभी भी। आज का इस माध्यम से मैं एक दो शब्द कहना चाहता है, जो आज व्यूअर्स है ना, पब्लिक है, जरूर कोई भी चीज़ चौथा से शुरू होता है प्रोग्राम और ये जो जरूर चौथा है, फिर भी आप भी आगे आके खास करके बांडरदवा करछिनछा जो आसपास के लोगों को मैं कहना चाहता है, आप भी यहाँ आके आप वॉलीबॉल खेलिए और आप भी एक यहाँ से एक खुद भी खेलिए और दूसरा को भी एक प्रेरणा के तौर पे आप दीजिए ना। आप बोलिए आप घर में आराम से घर में बैठेगा आप खा पी के, आज का तारीख में खेती तो करता नहीं है आजकल का आदमी लोग, पहले जंगल जाता था खेती करता था, तो एक्सरसाइज नहीं होता है उसमें डायबिटीज़ दुनिया भर का बीमार निकाल, उससे मतलब आपका दिल भी खुशी होगा आपका माइंड भी, आप एक्सरसाइज जब हेल्थ है तो सब कुछ है, इसलिए मैं सबको अपील करता है आप भी आके या खेलिए ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। तो लगता है अभी वॉलीबॉल ग्राउंड जो अभी इनॉग्रेशन हुआ है ना, ये बहुत इंस्पिरेशन बात है, उसको बहुत अच्छा लगा है और लगता है कि ये बांडरदवा और असम का जैसे वो जो पीटीसी असम का और बांडरदवा इस साइड का वहाँ का असम का लड़का लोग भी आके खेलने का बहुत एक अच्छा जगह है, क्योंकि अरुणाचल असम बांद्री में हमेशा झगड़ा होता है, इसका बदल में हम लोग आपस में ये वॉलीबॉल ऑर्गेनाइज करके टूर्नामेंट करके खेलने से कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा और कम्युनल हारमनी होगा, तो असम अरुणाचल के लिए भी यही एक रास्ता अच्छा है कि बांडरदवा में वॉलीबॉल ऐसे कंपटीशन खेल के ना, ये हम लगता है ये इसलिए हम अच्छा लगा। माय नेम इज़ गिया बाते, तो ये एक्चुअली ओनर जो किफा भाई ये है, बट आई एम लुकिंग आफ्टर दिस ग्राउंड, ये ग्राउंड का हम मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पर रहेगा।
एक्चुअली दिस आइडिया केम ड्यूरिंग कोरोना। कोरोना के वक्त ऐसे हो गया था कि लोगों के इम्यून सिस्टम कम होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। तो हमने ये सोचा कि बिंग द ओनर और हम लोगों ने ये सोचा कि लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसका बेस्ट वे हो सकता है थ्रू द स्पोर्ट्स। लेकिन हमारे यहाँ जब वॉलीबॉल खेलने के लिए लोग सोचते हैं तो जब बारिश होता है वो खेल नहीं पाते कीचड़ के कारण और बाकी सारे कारण के कारण। तो तब ये आइडिया डेवलप हुआ और अभी भी बहुत सारे वायरल बीमारी हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि स्पोर्ट ही एक जरिया है जिसके कारण लोगों का इम्यून सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। तो इसीलिए हमने ये एक टर्फ, आर्टिफिशियल टर्फ का ये वॉलीबॉल ग्राउंड यहाँ बनाया है। लोकेशन अन्या कॉलोनी है, लेकिन लोकली दिस इज़ वेरी फेमसली नोन एज कोंदाकुआ। इट्स नियर बाई 5x1 बंदरदेवा। तो गेट से अगर आप बंदरदेवा गेट से आप मेजर करोगे तो लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके आसपास में ही है। और जो हमारे यहाँ नेशनल हाईवे है उससे लगभग 100 मीटर के अंदर ये पड़ेगा। एंड द नियरेस्ट लोकेशन वुड बी जेटी के स्प्रिंगडेल स्कूल, यहाँ पे साइड बोर्ड उनका है। और कल से हम ऐसे करेंगे कि यहाँ जो नेशनल हाईवे है उस पर भी हम बोर्डिंग्स लगाएंगे इस ग्राउंड का। तो वो लोकेशन वही है। और जहाँ तक बात है समय का, तो हमने अब तक ये डिसाइड किया है कि सुबह के 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक रहेगा टाइम। तो उसके बीच आप कभी भी आके बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन हम हमारे दर्शकों हम ये बता दें कि अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो एडवांस में करिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पहुँच जाए लेकिन आपको जगह और समय ना मिले। तो अगर आप कल खेलना चाहेंगे तो आज से ही कर सकते हैं। और जहाँ तक समय का बात है वो कल, दैट इज़ 15 अगस्त, तब से ओपनिंग है। आज इस ग्राउंड का इनॉग्रेशन हुआ जिसके कारण आज या जितने भी मैचेस होंगे वो फ्री होगा। तो अगर आपको फ्री का मैच खेलना है तो आज आप आ सकते हैं। उसके बाद कल से हमारा बुकिंग होगा मॉर्निंग 9 AM से रात का 9 PM तक।